हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हर सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस का जीके और साइंस का ये सेट नंबर 21 है। सेट नंबर 21 से पहले जो भी सेट प्रैक्टिस अगर आप देखना चाहते हैं, 21 से पहले का सेट प्रैक्टिस अगर आप देखना चाहते हैं तो केसरिया कमीशन क्लास यूट्यूब चैनल पर सर्च करके आप वहां से सेट प्रैक्टिस को देख सकते हैं, या केसीसी सेट प्रैक्टिस बाई केसरिया कमीशन क्लास के नाम से भी आप सर्च करके वहां देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बार बार चर्चा करते हैं कि जब कभी भी हम सेट प्रैक्टिस देने का आपको प्रयास कर रहे हैं इस सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस के तहत, तो आपको सिलेबस बेस्ड और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन को रखने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में ये भी ध्यान रख रहे हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन को आपको छांट के दिया जाए, क्योंकि जो भी एग्जाम का पैटर्न अब बदलता जा रहा है वो ट्रेंडिंग बनता जा रहा है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बुक से ही आप क्वेश्चन को भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, या डिटेल भी अगर आप पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी अगर आप पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी को बेस्ड जरूर मानिएगा। तो इसी कारण से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी देने का प्रयास करते हैं, साथ ही 40% ऐसे क्वेश्चन को देने का प्रयास करते हैं जो नॉर्मली होता है, और 60% ऐसे क्वेश्चन को डालने का प्रयास करते हैं कि आपके स्नातक स्तरियों को फॉलो करता है, यानी लगना चाहिए कि ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन हम बना रहे हैं, और वो भी बिहार का स्पेशल सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा चर्चा करेंगे कि टेलीग्राम चैनल से भी हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव में हम लिंक दे देते हैं, वहां से आसानी से आप जुड़ सकते हैं, या तो केसीसी ऑफिशियल सर्च करेंगे तो वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का कारण यह है कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा, आगामी जो भी क्वेश्चन होगा बिहार स्पेशल को लेकर वस्तुनिष्ठ जो भी क्वेश्चन होगा, या जो भी सेट प्रैक्टिस हम निकालेंगे, तो वहां पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है। अब इसमें चार विधि दिया हुआ है, एक है कटान, दूसरा है कलम, तीसरा है प्रतिकरण और चौथा है सूक्ष्म प्रवर्धन। ध्यान रखेंगे, आपका सही आंसर होगा गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए जिस विधि का इस्तेमाल किया जाता है वह कलम विधि का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, कलम विधि का इस्तेमाल किया जाता है। अब कलम विधि का जो इस्तेमाल किया था केवल गुलाब के पादप में नहीं, बल्कि सेब, नाशपाती और आम। साथ ही ध्यान रखेंगे, सेब, नाशपाती तथा आम ईटीसी, ये सभी पादपों के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए भी कलम विधि का ही इस्तेमाल किया जाता है। जबकि प्रतिकरण जो है, प्रतिकरण विधि का इस्तेमाल जो होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में ही किया जाता है, और वो भी पादप में ही किया जाता है, लेकिन इसमें अंगूर, लीची और संतरा, ध्यान रखेंगे अंगूर, लीची एवं संतरा के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए प्रतिकरण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि सूक्ष्म प्रवर्धन जो होता है वह भी एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का ही विधि होता है जो पादपों के लिए किया जाता है, और इसके अंतर्गत केला, आर्किड, केला आर्किड एवं सजावटी पादप के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन विधि होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी, यहां पे लगनी करेंगे, लगनी राग जो होता है किस अवसर पर गाया जाता है। आपका ऑप्शन है बच्चों के जन्म दिवस के अवसर पर, ऑप्शन नंबर बी विवाह के अवसर पर, ऑप्शन सी होली से के अवसर पर, ऑप्शन डी रामनवमी के अवसर पर। सही आंसर होगा लगनी राग जो होता है वो लगन के समय में गाया जाता है, और लगन विवाह के अवसर पर होता है, जिसमें गीत भी आप सुने होंगे लगनी चिरैया लगन ले ले जाए रे, तो ये सभी राग एक प्रकार का है जो कि विवाह के अवसर पर गाया जाता है लगन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन है जो सुमेलित है। आपका ऑप्शन है तनिष्क कोटिया और रितिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये तो बिल्कुल सही है, गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिका को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी में है ऋषभ पंत को डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बिल्कुल सही है। शाहरुख खान को थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है।
तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? आपका ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सेक्रेटिन, रेनिन और पेप्सिन। सही आंसर होगा सेक्रेटिन जो होता है वो। ध्यान देंगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक हार्मोन का नाम बताना है जो कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। क्लियर, उत्तेजित करता है, ऐसा नहीं कि पाचक रस का निर्माण करवाता है या पाचक रस का सेक्रीशन करता है, उत्तेजित करता है उसको, एक्साइटेड करता है, वह होता है सेक्रेटिन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक तरफ है और सूची दो में तिथि दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 18 नवंबर को। दूसरा है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो आपका आंसर निकल के आता है 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महोत्सव का संबंध लद्दाख से है? आपका ऑप्शन है तोरग्या महोत्सव, रथ सप्तमी महोत्सव, स्पीतुक ग्लस्टर महोत्सव और हेराथ पर्व। सही आंसर होगा लद्दाख से संबंधित जो फेस्टिवल या महोत्सव है वह है स्पीतुक ग्लस्टर फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा सब पर ध्यान देंगे, तोरग्या महोत्सव जो होता है वह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जबकि रथ सप्तमी उत्सव जो होता है वो आंध्र प्रदेश में, और स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में, जबकि हेराथ पर्व जो होता है वह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला पर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का मुख्य उद्देश्य वाक्य क्या है? आपका ऑप्शन है आपसी सद्भावना, हमेशा आगे की ओर, ऑप्शन सी शांति और प्रगति, ऑप्शन डी और तेज और ऊंचा। सही आंसर होगा हमेशा आगे की ओर एशियाई खेल का मुख्य वाक्य रहा है, उद्देश्य वाक्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका ऑप्शन है CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ऑप्शन डी C4H10OH। तो पहली बात तो ध्यान देंगे कि एल्कोहल है तो OH को लगा रहना तो कॉमन सी बात है कि OH जो होता है वह एल्कोहल के लिए ही यूज किया जाता है। दूसरी बात है मिथाइल का इस्तेमाल, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो यहां मिथाइल है। अब ध्यान देंगे मीथ में कार्बन जो होता है उसकी संख्या 1, ईथ में कार्बन की संख्या 2, प्रोप में कार्बन की संख्या 3 और ब्यूट में कार्बन की संख्या 4 होती है। तो ध्यान लेंगे फॉर्मूला क्या हम लोग लिखते हैं, CnH2n+1। क्लियर, एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है, तो यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल की बात कर रहा है, तो आपका फॉर्मूला जो होगा CnH2n+2 के अनुसार बैठेगा, तो CH3 मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है? आपका ऑप्शन है -CHO, -COOH, C=O या -COOR। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक तत्व जो होता है वह होता है -COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के अणु का भार की गणना का मापन करके की जा सकती है? ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको ऐसा लगता है कि यूजफुल है तो बार बार चर्चा करते हैं, इसको शेयर कर दिया कीजिएगा। आपके लिए वीडियो को NCERT से निचोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, काफी सारा मेहनत लगता है, इसके लिए आप शेयर भी कर दिए कीजिएगा, लाइक करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पदार्थ के अणु का भार की गणना जो है वो डैश का मापन करने के लिए किया जाता है। किसके मापन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है द्रव्य अवस्था की सांद्रता की मापन करने के लिए, दूसरा वाष्प घनत्व का मापन करने के लिए, तीसरा हिमांक का मापन करने के लिए, चौथा वाष्प दाब का मापन करने के लिए। सही आंसर होगा वाष्प घनत्व का मापन करने के लिए ही पदार्थ के अणु के भार की गणना की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसोलीन, जो वैसलीन होता है, वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबाई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है, यह घटना डैश किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन है केशिका क्रिया का, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव का, ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत का, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर जो होगा वो पृष्ठ तनाव का उदाहरण होता है, सरफेस टेंशन का यह उदाहरण होता है। अब सरफेस टेंशन क्या होता है? तो यह द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण से पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है, इसे ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। क्लियर, इसे ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, द्रव का पृष्ठ ताप बढ़ा दिया जाए, अगर द्रव का पृष्ठ ताप बढ़ा दिया जाए तो ऐसे स्थिति में पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्लियर, अगर द्रव का पृष्ठ ताप बढ़ा दिया जाए, पृष्ठ ताप बढ़ा दिया जाए तो ऐसे स्थिति में पृष्ठ तनाव जो होगा वह कम हो जाता है, नीचे की ओर यानी डाउन हो जाता है। तो द्रव का पृष्ठ ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाने का काम होता है। और क्रांतिक ताप जो होता है उस पर, जब क्रांतिक ताप पर यह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ध्यान ये भी रखेंगे कि पृष्ठ ताप अगर बढ़ाएंगे द्रव का तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, लेकिन क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है वो जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक ये भी ध्यान रखेंगे, पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुम्बलंगी गांव देश का पहला सेनेटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह किस राज्य में स्थित है? ध्यान देंगे, कुम्बलंगी गांव है जो देश का पहला सेनेटरी पैड मुक्त गांव बन गया है, और यह गांव कुम्बलंगी गांव जो है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला की सही क्रम, जो कि घटते क्रम में आपको लिखना है, जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में लिखना है। आपका ऑप्शन है शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, ऑप्शन नंबर बी कैमूर, अरवल, पटना, दरभंगा, ऑप्शन सी पटना, दरभंगा, गया, शेखपुरा, ऑप्शन डी शिवहर, वैशाली, पटना और दरभंगा। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व को अगर हम जिले क्रम के रूप में सजाएं तो सबसे ज्यादा शिवहर में है जनसंख्या घनत्व, दूसरा पटना में है, तीसरा दरभंगा में है और सबसे कम वैशाली में जनसंख्या घनत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। सही आंसर होगा विटामिन सी को लीवर में संचित नहीं कर सकते हैं। लीवर का काम क्या होता है कि लीवर यानी यकृत जो होता है वो प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। क्लियर। यह प्रोटीन के अधिक मात्रा को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, और जब कभी भी शरीर को फिर से एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ऐसे स्थिति में यह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है और एनर्जी की पूर्ति कर लेती है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में तोड़ के रख लेता है, और जब कभी भी ऊर्जा को आवश्यकता पड़ती है तो ग्लाइकोजन को
पुनः तोड़ देता है और कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिणत करके शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्स का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सिलिकन डाई ऑक्साइड। आपका सही आंसर जो होगा, क्वार्ट्स का रासायनिक फॉर्मूला जो होता है वह होता है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकन डाई ऑक्साइड। क्लियर। सिलिकन डाई ऑक्साइड क्वार्ट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaOH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र होता है? ऑप्शन है लाइम, लाइम वाटर, लाइम स्टोन या जिप्सम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइम स्टोन CaOH होल ट्वाइस का रासायनिक सूत्र के रूप में लिखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है? आपका ऑप्शन है कूलम्ब, एम्पियर, वोल्ट या वाट। आपका सही आंसर होगा एम्पियर कहलाता है, करंट को ले जाने वाले दो समानांतर तार है। अब ये समानांतर तार है और दो समानांतर तार है और दोनों समानांतर तारों के बीच का बल जो होगा ना उसे ही एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है आपका एक फिगर दिया हुआ है जहां पॉइंट बनाया हुआ है दो पी और क्यू और आपसे पूछता है पी के जगह पर लिखा हुआ है धारा का मान 5 एम्पियर दिया हुआ है और 5 ओम और 10 ओम तथा 15 ओम को समानांतर क्रम में सजाया हुआ है और 5 ओम जो है उसे श्रेणी क्रम में लगा दिया है। अब इस परिपथ से प्रवाहित होने वाले धारा का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर, आपको विभवांतर का मान पूछा है, आप करेंगे क्या? क्योंकि विभवांतर का मान निकालने के लिए भी बराबर आई आर होता है और रेसिस्टेंस जो आपका है, आई का मान तो दिया हुआ है 5 एम्पियर लेकिन रेसिस्टेंस जो आपका है एक क्रम में नहीं है, समानांतर क्रम में भी है और श्रेणी क्रम में भी है, तो पहले जो समानांतर क्रम में है उसको पहले कर लेंगे क्या श्रेणी क्रम में, इसमें व्यक्त कर लेंगे। क्लियर। तो पहले 10 ओम और 15 ओम को क्या लिखेंगे कि 1/R equivalent बराबर 1/R1 + 1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 का मान 10 दिया हुआ है प्लस 1/R2 का मान 15 दिया हुआ है, क्या करेंगे 30 लिखेंगे, 3 + 2 = 5/30, 5 × 30 यानी R का मान आपका आ गया 6 ओम, यानी यहाँ पे जो हमारा मान आ गया रेसिस्टेंस का वो 6 ओम हो गया। अब यह जो परिपथ है वह श्रेणी क्रम में हो गया, यहाँ 5 ओम है और यहाँ 6 ओम है और यहाँ तक के धारा को ले जाना है, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया 6 × 5 = 11। अब 6 × 5 = 11 यानी R का मान निकल गया 11 ओम और आपका निकल गया I का मान, धारा का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर। अब इसको नहीं निकाल सकते हैं, भी बराबर निकालना है, आई बराबर दिया हुआ है 5 एम्पियर और गुना आर बराबर 11 दिया हुआ है, बराबर क्या निकल जाएगा 11 × 5 = 55 और विभवांतर को हम लोग वोल्ट में व्यक्त करते हैं, तो ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन दिया हुआ है 55 वोल्ट, 60 वोल्ट, 110 वोल्ट या 80 वोल्ट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 55 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है? ऑप्शन है केराटिन, मेलानिन, माइलिन या मायोग्लोबिन। सही आंसर होगा मेलानिन जो होता है वो मनुष्य के चर्म के रंगों का निर्धारण करता है, जिस मनुष्य में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है उसमें क्या होता है या एक प्रकार का पिगमेंट होता है, मेलानिन जो होता है एक प्रकार का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, और जिसमें मेलानिन की मात्रा अधिक होती है जिस मनुष्य में उसका रंग सांवला या काला होता है। जैसे अफ्रीकन लोगों के रंग जो त्वचा का रंग होता है वह काला होता है क्योंकि मेलानिन की मात्रा उसके शरीर में ज्यादा होता है। अब ज्यादा होने का कारण क्या है, क्योंकि वह सूर्य का प्रकाश जो होता है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है और विषुवत रेखा जो होता है वह अफ्रीका से होकर गुजरता है और सूर्य के प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा हुआ सहन करता है, जिसमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा होगी वह सूर्य के प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा सहन कर पाएगा, इसलिए नेचुरली रूप से उसके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है और उसका रंग काला होता है, क्योंकि काला जब होगा तो सूर्य के प्रकाश को कहेगा आ बेटा,
जितना भी आओ मेरे पास, हम तोरा ग्रहण कर लेंगे, हम तोरा अपने में समाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जिस चमड़ी में मेलेनिन की मात्रा कम होगी उसका रंग गोरा होता है और वह सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है। क्लियर? वह तुरंत बौखला जाता है सूर्य के प्रकाश में, वह निकल ही नहीं पाता है सूर्य के प्रकाश में, जलना शुरू हो जाता है उसका त्वचा, गोर से क्या हो जाता है, लाल होना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो मेलेनिन रंगों चमड़ों के रंग का निर्धारण करता है मनुष्य के शरीर में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर किस वर्ग का कशेरुकी था? ऑप्शन है मीन, एब्स, सरीसृप या स्तनधारी। आपका सही आंसर होगा सरीसृप। रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत डायनासोर को शामिल किया जाता है। अब डायनासोर का समय को काल को देखेंगे कि इसका काल कब रहा था, तो डायनासोर का काल जो रहा था वह 23 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 7 करोड़, काल जो इसका रहा 23 करोड़ वर्ष पूर्व से 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक। क्लियर? इसका काल रहा था। अब डायनासोर के काल को कहा क्या जाता है, तो इसके काल को कहा जाता है मीसोजोइक युग। इसके काल को, डायनासोर के काल को मीसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर टोटली आपसे ये कंफर्म पूछे कि रेप्टिलियों का युग किसे कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। खूब क्वेश्चन पूछता है, रेप्टिलियों का युग किसे कहा जाता है, तो ये याद रखेंगे सीमोजोइक। अब ध्यान रखेंगे डायनासोर भी एक रेप्टिलिया वर्ग में ही शामिल होता है, लेकिन डायनासोर का जो स्पेशल कार्य रहा था वो 23 करोड़ ईसा पूर्व BC से लेकर 7 करोड़ BC तक रहा था, और डायनासोर के काल को स्पेशली मीसोजोइक काल कहा जाता है, जबकि रेप्टिलियों का युग जो रहा वह सीमोजोइक काल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? आपका ऑप्शन है विजुअल लाइट्स, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज या रेडियो वेव्स। आपका सही आंसर होगा एक्स रे जो होता है वह वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर। आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण मार देंगे। पराबैंगनी किरण जो होता है वह सूर्य से आने वाला एक प्रकार का रेज होता है, जिसको पृथ्वी में प्रवेश करने की अनुमति कौन नहीं देता है, ओजोन परत, आयन मंडल में मौजूद ओजोन परत जो होता है वो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को रोक लेता है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में जहां छिद्र है, जैसे अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्र में छिद्र पाया गया जिसके कारण से अवरक्त पराबैंगनी किरण जो होता है वो पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है, तो वो क्वेश्चन अलग है। यहां पर वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाता हुआ है एक्स किरण। एक्स किरण की खोज किसके द्वारा, तो रोएंटजन नामक विद्वान के द्वारा एक्स किरण की खोज की गई थी। चिकित्सा क्षेत्र में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है एक्सरे ज्ञात करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? आपका ऑप्शन है मीराबाई चानू, स्वाति सिंह, कर्णम मल्लेश्वरी या मनु भाकर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ इथेन की यानी फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया से संश्लेषित इथेनॉल उत्पन्न किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी जल यानी वाष्प। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, जल यानी भाप होता है जिसकी अभिक्रिया से इथेनॉल उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन का नियंत्रण करता है? आपका ऑप्शन है प्रमस्तिष्कीय प्रांतस्था, ऑप्शन बी अंतस्था, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी प्रमस्तिष्क। आपका सही आंसर होगा अंतस्था जो होता है वह मस्तिष्क का ऐसा भाग होता है जो श्वसन का नियंत्रण करने का काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण या फलस्वरूप शिशुओं में शहत जानु यानी धनु जंग तथा कबूतरी छाती हो जाता है? ऑप्शन आपके पास विटामिन ए, विटामिन बी टू, विटामिन डी या विटामिन ई। क्लियर, आपका सही आंसर होगा विटामिन डी की कमी से शिशुओं में सहंत जानु धनुर्जंग तथा कबूतरी छाती नामक बीमारी हो जाती है शिशुओं में। क्लियर, जबकि ध्यान रखेंगे विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्लियर, हड्डी जिसमें कमजोर हो जाता है, और कैल्सिफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है, ध्यान रखेंगे आप। क्लियर, अब ध्यान रखेंगे ये भी आपको याद रखना है, रिकेटस जो होता है इसी को तो सहंत जानु धनुर्जंग कबूतरी छाती रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यता 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? आपका ऑप्शन है अ रक्तता रोग, गलगंड रोग, गलगंड रोग, ऑप्शन सी क्वासियोरकर रोग, ऑप्शन डी शुष्क नेत्र प्रदाह रोग। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्वासियोरकर नामक रोग हो जाता है। 1 से 3 वर्ष के शिशु में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वासियोरकर नामक बीमारी हो जाती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अरक्तता की अगर बात करेगा तो ये भी ध्यान रखेंगे विटामिन B6 की कमी से, अरक्तता यानी खून की कमी, तो विटामिन B6 की कमी जब हो जाता है तो खून की कमी हो जाती है। क्लियर, अब शुष्क नेत्र प्रदाह जिसे कहा जाता है उसको भी याद रखेंगे, तो रतौंधी जो होता है इसको रतौंधी याद रखेंगे, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग हो जाता है। ध्यान रखेंगे बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर नामक रोग तो हो जाता है तथा मरासमस नामक रोग भी होता है। क्लियर, क्वासियोरकर में बच्चे का हाथ पैर दुबला पतला हो जाता है तथा पेट बाहर निकल जाता है, जबकि मरासमस में क्या होता है मांसपेशी ढीला हो जाता है। याद रखेंगे मरासमस से मांसपेशी ढीला हो जाता है, जबकि क्वासियोरकर में हाथ पैर सूख जाता है और पेट बाहर निकल जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल, मैथिल कोकिला के नाम से जाना जाता है या मैथिल कोकिल कहा जाता है? ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, भिखारी ठाकुर, विद्यापति मंझ मिश्र, किसको कहा जाता है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी बिहार में जाना जाता है। क्लियर, जबकि भिखारी ठाकुर जो है भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का जनक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा हिंद महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। ध्यान रखेंगे हिंद महासागर में सेशेल्स नामक द्वीप स्थित है या सेशेल्स गणराज्य स्थित है, जबकि यह भी ध्यान रखेंगे कि हिंद महासागर में ही सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप भी हिंद महासागर में है, जो कि मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र सतह पर निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक घटना है जो अवलोकित नहीं होती? ऑप्शन है सूर्योदय तथा सूर्यास्त, सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी धूमकेतुओं की चाल या ऑप्शन डी तारों का टिमटिमाना। आपका सही आंसर होगा तारों का टिमटिमाना जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, यह घटना चंद्र सतह पर देखने के लिए नहीं होता है या इसे अवलोकित नहीं किया जा सकता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी तारों का टिमटिमाना आपका सही आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोटीन में 2 एमिनो एसिड में बंधन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है एस्टर बंधन, ग्लाइकोसिडिक बंधन, पेप्टाइड बंधन या फॉस्फोइस्टर बंधन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेप्टाइड बंधन जो होता है वो प्रोटीन में 2 एमिनो एसिड में बंधन कहलाता है। ध्यान देंगे पेप्टाइड बंधन कहलाता है, किसी प्रोटीन में 2 एमिनो एसिडों में जो बंधन आपस में होता है उसे कहा जाता है पेप्टाइड बंधन कहा जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी द्रव्य का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है। कोई भी द्रव्य है उसका क्वथनांक को कम करने की क्या विधि होती है? ऑप्शन है निम्न द्रव्यनांक वाले ठोस के मिश्रण से, ऑप्शन बी किसी विलयनशील ठोस के मिश्रण से, द्रव्य पर दाब बढ़ाने से, या ऑप्शन डी द्रव्य पर दाब कम करने से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्य पर दाब अगर कम कर दिया जाए, प्रेशर अगर कम कर दिया जाए तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पढ़ते हैं ना कि प्रेशर बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है, क्योंकि वहां पर दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जल्दी से, जिसके कारण से क्वथनांक बॉइलिंग प्वाइंट में वृद्धि हो जाती है और खाना जल्दी बन जाता है। तो जब दाब को बढ़ाने पर दाब जब बढ़ा रहे हैं तो ऐसे स्थिति में क्वथनांक बढ़ रहा है, तो दाब घटाएंगे तो क्वथनांक भी घट जाएगा। ऑप्शन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या गुजरात। आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, जो IIT रुड़की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है गोबी, चेलिस्तान, सुकूर या मीरपुर। आपका सही आंसर है चोलिस्तान कहा जाता है, जो पाकिस्तान में थार मरुस्थल से जुड़ा। थार मरुस्थल कहाँ का? भारत का, ने राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा थार मरुस्थल के अंतर्गत शामिल किया था, और इस थार मरुस्थल से जुड़ा हुआ जो रेगिस्तान है पाकिस्तान का, उसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ऑप्शन है इस्लाम, हिंदुत्व, जूडा या ईसाई। आपका सही आंसर होगा ईसाई जो है वो सबसे बड़ा धर्म, विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। ईसाई धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ईसा मसीह को। ध्यान रखेंगे, ईसा मसीह को ईसाई धर्म का जनक के रूप में जाना जाता है, और ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक जो है, पवित्र पुस्तक, ये भी ध्यान रखेंगे, ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक जो है वह है बाइबिल। बाइबिल इसका पवित्र पुस्तक है। ईसा मसीह के पिता का नाम जो था जोसेफ और माता की नाम मैरी था। विश्व के दूसरे सबसे बड़े धर्म की अगर हम बात करेंगे कि दूसरा बड़ा धर्म कौन है, तो इस्लाम है, यह दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है गुरु रामदास ने, गुरु अंगद ने, गुरु हर राय ने या गुरु हरकिशन ने। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद के द्वारा लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। क्लियर। लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा किया गया था, जो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, मंत्री समूह के ऊपर या कैबिनेट के ऊपर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व जो होता है वह होता है कैबिनेट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत का समुद्री रास्ता की खोज की थी? ऑप्शन है वास्को द गामा, कोलंबस, हॉपकिंस या मैगलन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को द गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत में आए हुए वास्को द गामा 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग की खोज किया गया था वास्को द गामा के द्वारा, और वो भी यह कब पहुंचा था? सबसे पहले पहुंचा कालीकट, जो केरल में तट है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, और यह पहुंचा 17 मई को। कभी कभी स्मॉल डेट भी पूछ देता है, सबसे पहले 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, और उस समय कालीकट का केरल का जो सम्राट था वो जमोरीन था, और जमोरीन ने इनका काफी हाव भाव से स्वागत किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वस्तुएं अब ये भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसमें ध्यान रखेंगे कि
भारत के समुद्री मार्ग की खोज, यानी भारत की खोज तो वास्को दी गामा ने किया, लेकिन समुद्री मार्ग पर सबसे पहले कौन आया? तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत के समुद्री मार्ग जो था वह केप कैमरून द्वीप, केप कैमरून द्वीप की खोज बार्थोलोमियो डियास के द्वारा किया गया था, और सबसे पहले इन्होंने ही, बार्थोलोमियो डियास ने ही समुद्री मार्ग पर आया था, लेकिन भारत नहीं आ पाया, उसके पीछे से वह वापस लौट गया और उसी रास्ते फिर भारत की खोज वास्को डी गामा ने कर दी। अगला क्वेश्चन है, वे सभी वस्तुएं जो प्रकृति में निःशुल्क एवं स्वतंत्र उपहार के रूप में प्राप्त होती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पूंजी, श्रम, भूमि या लगान। आपका सही आंसर है भूमि जो है वह निःशुल्क प्राप्त होती है, स्वतंत्र उपहार के रूप में प्राप्त होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है? ऑप्शन आपके पास सीमांत उपयोगिता है, ऑप्शन बी कुल उपयोगिता है, ऑप्शन सी औसत उपयोगिता है, या ऑप्शन डी ह्रास मान उपयोगिता है। आपका सही आंसर होगा सीमांत उपयोगिता है। उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता होती है उसे सीमांत उपयोगिता का नाम दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? ऑप्शन है SSB सीमा सुरक्षा बल, ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, RPF रेलवे पुलिस फोर्स, और CRPF सेंट्रल, CRPF का पूरा रूप होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो किसके द्वारा सबसे पहले ऑपरेशन आहट की शुरुआत किया गया है? आपका सही आंसर होगा RPF के द्वारा शुरू किया गया है। मूल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में पूछ रहा है मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। ऑप्शन 8, 9, 10 या 11। सही आंसर होगा 11 मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान संविधान में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा क्या हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा थी? हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं थी, लेकिन इसे जोर दिया गया, इसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा स्वर्ण शिश समिति के अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर 10-10 वो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया पहली बार। क्लियर। बाद में 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत 11वें मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया और भाग 4 का क बना दिया गया जो मूल कर्तव्य से संबंधित है, और अनुच्छेद की बात करें तो 51 का क में किया गया है, अनुच्छेद में 51 के क में मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया जो वर्तमान समय में 11 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानमंडल का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन है विदेशी नीति का निर्धारण करना, ऑप्शन बी कानून का निर्माण करना, ऑप्शन सी संविधान की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी राज्यपाल पर नियंत्रण करना। आपका सही आंसर होगा कानून का निर्माण करना। अब विधानमंडल का मतलब क्या होता है? जैसे केंद्र में संसद होता है ना, संसद के तीन अंग कौन कौन, एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ठीक विधानमंडल का भी तीन अंग होता है, पहला होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद, और तीसरा जो होता है वह राज्यपाल। यह तीन अंग होता है विधानमंडल का, लेकिन सदन कै गो, तो सदन विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो कह रहा विधानमंडल का प्रमुख जो कार्य होता है ना, वो होता है राज्य में कानून बनाने का काम विधानमंडल का ही होता है, और केंद्र में जो कानून बनता है वह संसद का काम होता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है वाक, यानी बोलने, वाक मतलब बोलने, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, या विधि के समक्ष समानता का अधिकार। सबसे पहली बात समझेंगे, वाक यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के क में किया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 21 में किया गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का चर्चा जो किया गया है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में किया गया है,
और विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 में किया गया है। क्लियर। तो ध्यान देंगे कि जब मूलाधिकार ऐसा है जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित जब आपातकाल लागू कर दिया जाता है उस समय भी वह निलंबित नहीं होता है, वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 फिर भी निलंबित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समुद्र तट पर भूकंप सबसे अधिक आते हैं? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, आंध्र महासागर या हिंद महासागर। सही आंसर होगा सबसे ज्यादा भूकंप प्रशांत महासागर में के तट पर सबसे ज्यादा भूकंप आता है। क्लियर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर के रूप में जाना जाता है और इसका आकार अंग्रेजी के ओ आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क मकर रेखा के बीच यानी कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विषुवतीय, अवनवृत्तीय, ऑप्शन सी ध्रुवीय या उपध्रुवीय के नाम से। सही आंसर होगा विषुवतीय प्रदेश। अब देखेंगे कर्क रेखा जो है वह 23.5 डिग्री, हमारा अगर पृथ्वी है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जाना जाता है। जबकि बीच वाला रेखा जो ठीक पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। जबकि नीचे में जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है, दक्षिणी अक्षांश, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर वृत्त कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। और इन दो रेखाओं के बीच में कौन स्थित है तो वो है विषुवत रेखा, तो इसे विषुवतीय नाम दिया गया है। क्लियर। इक्वेटर कहा गया इसे, विषुवतीय रेखा। कौन सी सेल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य तीन से भिन्न है? ऑप्शन है सेल, संगमरमर, चूने का पत्थर या बालू का पत्थर। आपका सही आंसर होगा संगमरमर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का 18.5 डिग्री कर दिया जाए तो कौन सी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त को प्रदर्शित करेगी? आपका ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है 70.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 71.5 डिग्री या 69.5 डिग्री। अब देखेंगे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव अगर 18.5 डिग्री कर दिया जाए, 18.5 डिग्री कर दिया जाए तो ऐसे स्थिति में अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त को प्रदर्शित करेगी वह है 71.5 डिग्री, क्योंकि 71.5 में अगर हम 18.5 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आपका आ जाता है, यानी 90 डिग्री आर्कटिक वृत्त फुलफिल हो जाता है। तो आपका सही आंसर होगा 71.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, राधा कांत देव या हेनरी बिबियन डेरिजियो। सॉरी, आपका सही आंसर होगा हेनरी बिबियन डेरिजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर। राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज का जनक माना जाता है, जबकि इसके अलावा ध्यान देंगे अब नेक्स्ट देखेंगे आर्य समाज की स्थापना, इसमें देखेंगे दयानंद सरस्वती में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलंदर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। आपका सही आंसर होगा बाबर को कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्लियर। बाबर को कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरौली का लौह स्तंभ संबंधित है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय भी इसे कहा जाता है, दूसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है
वह रिलेटेड है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन है वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में या चतुर्थ में। तो आपका ध्यान रखेंगे, बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, हुआ था कपिल वस्तु में, लेकिन स्थान कहाँ था? लुम्बिनी। क्वेश्चन आपसे पूछता है बुद्ध के जन्म का स्थान कहाँ था, तो ध्यान रखेंगे स्थान में लुम्बिनी, लेकिन कहाँ हुआ? तो कपिल वस्तु में। तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 1950, 1948, 1952, 1954 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे कोसी परियोजना जो बिहार में बनी थी वह 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कोसी परियोजना का मुख्य बांध जो है वह हनुमान नगर बांध है। यह भी ध्यान रखेंगे कोसी परियोजना का मुख्य बांध हनुमान बांध है। कोसी परियोजना का मुख्य बांध जो है वह हनुमान बांध है, ये भी आप ध्यान देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी क्या होता है? ऑप्शन है भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। ऑप्शन बी विदेशी भूमि में निर्मित वह सामग्री जो विदेश ही है। ऑप्शन सी एक चरखा जो रुई काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी कपास से बना देश का झंडा। तो स्वदेशी क्या है? स्वदेशी है भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित की जाती है, उसे ही स्वदेशी कहा जाता है। क्लियर। अब स्वदेशी से याद रखिएगा कि स्वदेश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वदेश शब्द का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मिता ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पहला कथन में दिया हुआ है आपका। क्लियर। अब ध्यान रखेंगे, ये बात तो बिल्कुल सही है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री भी है स्मृति ईरानी, ये बात सही है। दूसरा, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, बिल्कुल सही है। तो आपका निकल जाता ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्नेडो क्या होता है? ऑप्शन है एक अति उच्च दाब केंद्र होता है। ऑप्शन बी एक अति निम्न दाब केंद्र होता है। एक अति उच्च समुद्री लहर होता है या एक भूमंडलीय पवन होता है। तो ध्यान देंगे टॉर्नेडो जो होता है वह एक प्रकार का चक्रवात है, एक प्रकार का चक्रवात होता है। और चक्रवात में केंद्र की ओर क्या होता है? निम्न दाब होता है, लो प्रेशर होता है। क्लियर। चक्रवात होता है टोर्नेडो और चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है और इसकी तुलना में बाहर में हाई प्रेशर होता है और यहां पर लो प्रेशर होता है। तो पवन का चक्रण जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है, इसी को चक्रवात कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है यह अति क्या हो जाएगा? अति ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, निम्न दाब का केंद्र होता है, तो अति निम्न दाब का केंद्र होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है। ऑप्शन है सालेम इस्पात कारखाना, ऑप्शन बी भिलाई इस्पात कारखाना, ऑप्शन सी बिजाग इस्पात कारखाना या ऑप्शन डी दुर्गापुर इस्पात कारखाना। आपका सही आंसर होगा बिजाग इस्पात कारखाना जो है वो भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात कारखाना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सी पारिस्थितिकी मित्र है? ऑप्शन है कार्बनिक खेती, स्थानांतरणीय खेती, जुताई, ऑप्शन सी उच्च उत्पाद किस्मों की खेती या ऑप्शन डी कांच गृह पौधे में उगाना। क्लियर। आपका आंसर जो होगा कार्बनिक खेती करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग,
ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, कार्बनिक खेती करना ही पारिस्थितिकी मित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नर्मदा नदी के संबंध में सभी कथन सही है सिवाय एक का, यदि तीन कथन सही दिया हुआ है नर्मदा नदी के बारे में और एक गलत है, उसी की पहचान करना है। ध्यान देंगे, ऑप्शन दिया हुआ है यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, ये बात नर्मदा नदी के बारे में गलत हो जाएगा। क्लियर। तीसरा है यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, सही है। और यह नदी प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध पर बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य जहां किसी राज्य सर, जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता, फिर से एक राज्य ऐसा जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है डायार्की, प्लूटोक्रेसी, ऑप्शन सी ऑटोक्रेसी, या ऑप्शन डी एनार्की। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, अराजकता। तो एनार्की इसका सही आंसर होगा। अराजकता उसे कहा जाता है जहां पर किसी भी सरकार राज्य में शासन नहीं कर रही होती है, ऐसे राज्य को एनार्की यानी अराजकता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति का, उच्च न्यायालय का, राज्यपाल का, या उपर्युक्त में से सभी का। आपका सही आंसर होगा कि राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार रखता है, जिसकी चर्चा किया गया अनुच्छेद 1, 2, 3 में। तो ध्यान रखेंगे इसको, सॉरी 1, 2, 3 नहीं, ध्यान रखेंगे 1, 2, 3 नहीं, ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है, जिसकी चर्चा याद रखेंगे आई लव यू यानी 1, 4, 3 यूनिक नंबर है 1, 4, 3 अनुच्छेद के तहत कहते हैं राष्ट्रपति कहता आई लव यू, किसको कहता, सर्वोच्च न्यायालय को कहता है। तो इस आधार पर आप याद रखेंगे 1, 4, 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है मेरा गांव मेरी संस्कृति, ऑप्शन बी मेरा गांव मेरी धरोहर, ऑप्शन सी संस्कृति धरोहर, या ऑप्शन डी अमृत महोत्सव। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेरा गांव मेरी धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। आपका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेबेल, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। आपका सही आंसर होगा भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय जो रहा था वो लॉर्ड माउंटबेटन रहा था। क्लियर, लॉर्ड माउंटबेटन रहा था। क्लियर। अगर भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात किया जाए ना तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम वेंटिंग होता है, जबकि ध्यान रखेंगे भारत का प्रथम वायसराय कौन होता है तो लॉर्ड कैनिंग था। फिर आएगा आपका क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, ऐसा क्यों। ऑप्शन है यह एक शहरी सभ्यता थी, ऑप्शन बी इसकी चित्रलिपि थी, ऑप्शन सी इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। अब पहले क्वेश्चन के सार को समझेंगे, ध्यान रखेंगे एक चीज को, जो क्वेश्चन समझ लिया वो समझिए कि 50% आंसर समझ गया। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, कह रहा है अनार्य सभ्यता, मतलब आर्य सभ्यता नहीं थी, आर्यों की सभ्यता नहीं थी। आर्य का काम क्या था, लड़ाई झगड़ा करना, पौरुषेय दिखाना, रक्षा करना, राजा का कर्तव्य निभाना, ये सब आर्य की का चाल ढंग था। लेकिन अनार्य, अनार्य की बात आपसे किया है तो अनार्य होने का प्रमाण है, इसका मतलब है कि वह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है तीसरी, पहली, चौथी, या दूसरी। आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दूसरी, यानी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत में महिला रोजगार जो है वो दूसरी सबसे बड़ी, यहाँ लिखाएगा दूसरी, दूसरी सबसे बड़ी नियोक्ता क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किस डैश द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन है सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन बी ड्यूक ऑफ कनॉट, ऑप्शन सी सर जॉन आर्चर और सर एडवर्ड बाटले, ऑप्शन डी सर क्लॉड बाटले और सर जॉन बेग। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने दिल्ली में स्थित संसद भवन की रचना की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद अगर क्वेश्चन पूछेगा संसद भवन तैयार कब हुआ तो याद रखेंगे तैयार कब हुआ, तो तैयार में याद रखेंगे 1931 ईस्वी में संसद भवन पूरी तरीका से तैयार हो गया था। ये भी ध्यान रखेंगे कि भारतीय संसद भवन आने वाले समय में नया बनाने पर विचार सरकार कर रही है वर्तमान समय में, क्योंकि 2026 में क्या होगा ऐसा इसलिए कर रही है, नया संसद भवन इसलिए तैयार किया जा रहा है, इसे विशाल और भव्य संसद भवन बनाया जा रहा है क्योंकि 2026 में फिर से प्रतिनिधि जो होगी संख्या में संसद सदस्य जो होंगे उसके वर्तमान संसद भवन में रह नहीं पाएंगे, यानी संख्या को बढ़ाया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, संसद या राज्यसभा। ध्यान देंगे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 3 में किया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 85 के 3 में किया गया है। अब ध्यान रखेंगे सामूहिक रूप से है, इसका मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा, व्यक्तिगत रूप से, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो व्यक्तिगत रूप से पूछेगा कि मंत्रिपरिषद का सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, तो राष्ट्रपति के प्रति, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 85 के 3 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गीत महात्मा गांधी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा था कि अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन एवं बल देने में पर्याप्त है यदि मैं भागवत गीता को भूल भी जाऊं। ऑप्शन है जन गण मन अधिनायक, ऑप्शन बी रघुपति राघव राजा राम, ऑप्शन बी वैष्णव जन तो तैने कहिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी रघुपति राघव राजा राम के बारे में यह वक्तव्य महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, इतना प्रिय था इनको कि यह बात इन्होंने कहा था। हालांकि महात्मा गांधी को वैष्णव जन तो तेने कहिए गीत भी बहुत प्रभावित किया था। क्लियर। और यह गांधी जी त्यागराज और नरसिंह मेहता के गीत से बहुत प्रभावित थे, और यह वैष्णव जन तो तेने कहिए नरसिंह मेहता के द्वारा भी ही लिखित थी, और इनके कविता से ये काफी प्रसन्न महात्मा गांधी रहते थे। महात्मा गांधी वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। यह भी ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में पूछेगा कि किस धर्म को मानते थे, तो महात्मा गांधी का धर्म जो रहा था, धर्म जो मानते थे वह वैष्णव धर्म मानते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? ऑप्शन है संसद के प्रमुख, ऑप्शन बी संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा पूर्व राष्ट्रपति या राज्यपाल। आपका क्वेश्चन पूछा है निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन है संसद के प्रमुख, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी पूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। सही आंसर होगा संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा ही किया जाता है निर्वाचन मंडल की चर्चा। क्लियर। और इसमें संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? ऑप्शन है आलमगंज पटना में, ऑप्शन बी मुंगेर में, ऑप्शन सी पूर्णिया में
ऑप्शन डी मेहरौरा में। सही आंसर होगा आलमगंज, पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का पहला प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1620 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों के संदर्भ में कौन कथन पर, कौन सा कथन सही है, इस पर विचार कीजिए। कथन दो आपके पास, कथन तीन आपके पास दिया हुआ है। पहला कथन है सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था, बिल्कुल सही है। कथन दूसरा, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की संकलन को पूरा किया था, बिल्कुल सही है। गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु थे सिखों के। ऑप्शन तीसरा, अर्जुन देव ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्यागने पर जोर दिया था, गलत बात है, इस पर इन्होंने कोई चर्चा नहीं की थी। तो एक और दो आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में एक और तीन दिया हुआ है, तो एक और दो आपका सही होगा ना, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदू के होली त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर। मैगी नॉट रेखा दो देश की सीमा रेखा बनाती है, कौन सी। ऑप्शन है फ्रांस जर्मनी, जर्मनी पोलैंड, अमेरिका और कनाडा, या भारत और अफगानिस्तान। आपका सही आंसर होगा फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगी नॉट रेखा और सीग फ्राइड रेखा। एक और नाम याद रखेंगे, सीग फ्राइड रेखा यह भी फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। क्लियर। ओडर नीसे और हिंडनबर्ग रेखा जो है, ध्यान देंगे, ओडर नीसे और हिंडनबर्ग ये दोनों रेखा जो है वह जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। क्लियर। जबकि अमेरिका और कनाडा के बीच याद रखेंगे 41वीं तथा 49वीं और 141वीं समानांतर रेखा, 49वीं और 141वीं समानांतर रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है। ऑप्शन है चिमनी, मशरूम चट्टान, यारडंग, करकरा। सही आंसर होगा यारडंग आपका सही आंसर होगा, पथरीली रेगिस्तान में चलने वाली हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है। ऑप्शन है इसका भार अमीरों और गरीबों पर समान पड़ता है इसलिए इसे प्रतिगामी कहा जाता है। ऑप्शन बी अमीरों की तुलना में गरीबों पर कम भार पड़ता है। ऑप्शन सी अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा कोई भी कर उसे प्रतिगामी यानी रिग्रेसिव तब कहा जाएगा जब यह अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार पड़ने लग जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे आय में वृद्धि होती है, आय में जब वृद्धि होती है ना तो क्या होता है कि व्यय जो होता है वो कम हो जाता है, टैक्स कम हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में अमीर के लिए लाभदायक हो जाता है और गरीबों के लिए अधिक भार देना पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 75 क्वेश्चन के एसीसी सचिवालय सहायक से प्रैक्टिस था। आप ध्यान रखेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर कर दिया कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो, और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं, तो इसे लाइक कर दिया कीजिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।